हाय, वेलकम टू यूके कंसल्टिंग सीआरएम डेमो। सबसे पहले हम देख रहे हैं लॉगिन का पेज। यहाँ पे अपना आप यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल के आपका स्टाफ या फिर कस्टमर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि लीड्स हैं, कस्टमर्स हैं, पेमेंट्स हैं, जॉब है एंड एटसेट्रा। आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉड्यूल ऐड और रिमूव हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लीड्स मॉड्यूल। यहाँ पे आपको अपनी सब लीड्स दिखेगी और आप यहाँ पे लीड सर्च भी कर सकते हैं। अभी जैसे कि आप डिफरेंट तरीके से भी यहाँ पे लीड्स कैप्चर कर सकते हैं, जैसे कि क्विकर, जस्ट डायल, न्यूज़पेपर एंड एटसेट्रा। अब हम देखते हैं ऐड लीड्स मॉड्यूल। यहाँ पे आप आपके क्लाइंट का नाम एंटर कर सकते हैं, कौन से डेट पे उन्होंने वो आए हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे उनका मेल आईडी आएगा, कॉन्टैक्ट नंबर और किस सोर्स से वो आए हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और कौन से एजेंट थ्रू आए हैं वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर आपको इसमें कोई और रिक्वायरमेंट रहेंगी तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप क्रिएट लीड कर दोगे, आपका लीड ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे आप लीड सर्च भी कर सकते हैं, इसको हम डायनामिक सर्च बोलते हैं। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करते हैं डायनामिक सर्च। तो मैंने कोई बटन भी नहीं डाला, जस्ट मैंने यहाँ पे एंटर किया, मुझे मेरा लीड का इन्फॉर्मेशन मिल गया है। अभी हम देखते हैं कस्टमर मॉड्यूल। तो आपको अगर आपको कस्टमर ऐड करना है तो आपकी जो लीड रहेगी उस पे जाके ऐड कस्टमर करना है। यहाँ पे कस्टमर का नेम, लास्ट नेम आएगा, उसका फ़ोन नंबर, साइन अप डेट आएगा, एड्रेस, कौन से ब्रांच के थ्रू उसने किया है साइन अप वो आप डाल सकते हैं, कौन से कस्टमर थ्रू किया है, एजेंट थ्रू किया है वो भी आप डाल सकते हैं, और अगर आपने कोई ऑफर दिया है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और अगर यहाँ पे आप क्रिएट कस्टमर कर दोगे, आपका कस्टमर ऐड हो जाएगा। इसमें भी अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है आप बता सकते हैं, हम ऐड कर देंगे। अब आपको कस्टमर सर्च करना है, जैसे मैंने आपको बोला था डायनामिक सर्च आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। सो मैंने जस्ट नाम एंटर कर दिया, यहाँ पे कस्टमर का पूरा डिटेल्स आ गया है। अब आपको करना है पेमेंट। तो पेमेंट ऐड करने के लिए फर्स्ट कस्टमर पे जाके यहाँ पे आपको ऐड पेमेंट करना है। यहाँ पे पेमेंट का डेट, कौन से डेट पे उसने किया है वो आप डाल सकते हैं, किस मोड से किया है, जैसे एम स्वाइप, पेटीएम या फिर चेक, वो आप डाल सकते हैं। अगर क्लाइंट ने प्रीवियस पेड किया है तो वो भी यहाँ पे दिखेगा, और जो पेड किया है वो यहाँ पे आपको डालना है अमाउंट, और अगर कोई डिस्काउंट भी आपने दिया है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप क्रिएट पेमेंट कर दोगे, आपका पेमेंट ऐड हो जाएगा। इस पूरे तरीके से आपका जो बिजनेस है वो ऑनलाइन हो जाता है, मींस पूरा सेंट्रलाइज हो जाता है। और जब आपको यहाँ पे हम रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे, इस तरीके से आप अपना जो पूरा बिजनेस है वो ऑनलाइन कर सकते हैं, मींस पूरा आपका बिजनेस सेंट्रलाइज हो जाता है। और यहाँ पे मैं आपको अभी दिखाती हूँ रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में आपको यहाँ पे दिखेगा कौन से एजेंट थ्रू कितने वॉकिंस आए हैं, जैसे कि प्रमिला के 4, प्रतीक्षा के 2, नेहा का 1। और यहाँ पे आपको आएगा कलेक्शन बाय एजेंट, मतलब कौन से एजेंट थ्रू कितना कलेक्शन आया है वो भी आप देख सकते हो। जैसे अभी उमा का 98 है, प्रमिला 37 और अदर्स। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कलेक्शन बाय डे, जैसे कि कौन से डे पे 10 तारीख को कितना कलेक्शन आया, 17,000।
और 22 तारीख को 3000, तो वो आप पूरा देख सकते हो। इस तरीके से आप इसमें और टाइप्स के भी रिपोर्ट्स ऐड कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। हम इसमें और भी रिपोर्ट्स ऐड कर देंगे। इस रिपोर्ट्स में आपको और भी अगर आपको रिपोर्ट्स चाहिए तो हम ऐड कर सकते हैं। और आपको एक बटन पे आपका ये जो पूरा बिजनेस है वो सेंट्रलाइज करके मिल रहा है। और इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आप ये मोबाइल पे भी एक्सेस कर सकते हो। और आपके जो पूरा बिजनेस है उसको आपको विजिबिलिटी भी मिलती है। इस तरीके से आपका ये जो सॉफ्टवेयर है वो आप पूरा सेंट्रलाइज कर सकते हो। और आपको फ्री बिजनेस कंसल्टेशन के लिए आपको कांटेक्ट करना है UK कंसल्टिंग कांटेक्ट मैनेजर, जिसका कांटेक्ट बिलो आप देख रहे हो।